अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ पोटैटो स्नैक। इसको आप पोटैटो नगेट्स भी कह सकते हैं, पोटैटो स्नैक भी कह सकते हैं। तो उसके लिए मैंने ये ले लिए हैं तकरीबन आधा किलो आलू, आधा किलो से शायद थोड़े से ज़्यादा हो। तो पहले इसको मैश कर लेते हैं। मैंने इसको बॉईल कर लिया था और छील लिया था। अब इसको मैश कर लेते हैं, फिर इसमें हम मसाले मिलाएंगे। चलिए हमारे आलू मैश हो गए, तब इसके अंदर हम अपने मसाले डालने शुरू करते हैं। ये हमारे पास है कॉर्नफ्लोर, तो ये एक कप इसके अंदर डाल देंगे कॉर्नफ्लोर। ये बाइंडिंग के लिए होता है, तो अगर हमें अपना ये थोड़ा पतला लगेगा तो यहाँ पर हमारे पास है चावल का आटा, थोड़ा सा ये भी ऐड कर देंगे अगर हमें ये थोड़ा पतला लगेगा, लेकिन अभी नहीं डालेंगे। नमक 1 टीस्पून और ये है काली मिर्च 2 टीस्पून है, चाट मसाला 1 टीस्पून और थोड़ी सी हम इसमें कुटी हुई मिर्च डालेंगे, रेड चिली फ्लेक्स ये डाल दी 1 टीस्पून और ये हमारे पास है मिक्स हर्ब, तो हम ये थोड़ा सा डाल देंगे इसमें, बस ये डाल दिया हमने थोड़ा सा। अब हम इसमें डालेंगे हरा धनिया, अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे हाथों से। इस तरह से मैंने इसको आटे की तरह बिल्कुल एक जैसा कर लिया और इसमें कॉर्नफ्लोर के बाद किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ी। अगर हमें ज़रूरत पड़ती तो हम ये चावल का आटा ऐड करते, लेकिन हमें ज़रूरत नहीं पड़ी। तो अब इस तरह से ऐसे करके इसको करेंगे जैसे आटा गूंथते हैं, एक जैसा ये हो चुका है। अब इसके हम कर लेंगे 6 पार्ट छुरी से। चलो इसके 6 पार्ट कर लेते हैं। छः से थोड़ा सा ज़्यादा ही हो गया है, ज़्यादा 7 बन गया है, लेकिन इस तरह कर लेंगे इसको। ऐसे रखेंगे और इसको कैसे रोल कर लेंगे। इस तरह से इसके बना लेंगे। अब छुरी से हम इसको थोड़ा सा प्रेस करेंगे ऐसे, अब फोक से इसके ऊपर इस तरह से निशान बना लेंगे। अब हम इसको कटिंग कर लेंगे ऐसे करके, और जिसकी शेप थोड़ी सी खराब है उसको हाथ से सेट कर लेंगे इस तरह से। इसको बना के साइड पे रखते जाएंगे।
अब यहाँ पे दो अंडे ले लेंगे और उनको बीट कर लेंगे। यहाँ पे मैंने अंडों को बीट कर लिया है अच्छे तरीके से और यहाँ ब्रेड क्रम्स ले लिए हैं। अब हम इसको पहले अंडे में डिप करेंगे इस तरीके से और फिर इसको डाल देंगे हम ब्रेड क्रम्स में, ऐसे करके इसको कोटिंग करके रखते देंगे। इसी तरीके से हम सारे कर लेंगे। यहाँ मैंने ये ऑयल में डाल दिए हैं और इसको हल्की आंच पे फ्राई कर लेंगे। ये फ्राई हो गए, मैंने निकाल लिए। इसी तरह से बाकी हम ये अपने सारे नगेट्स फ्राई कर लें। ये हमारे मज़ेदार से पोटैटो स्नैक्स तैयार हैं, पोटैटो नगेट्स भी कह सकते हैं इसको। और अगर आप ये बच्चों को लंच में बना के देंगे, बच्चे बहुत शौक से खाएंगे। बच्चों के तो वैसे भी आलू पसंदीदा चीज़ होते हैं। और आप लोग तो कमेंट्स किया करें, बताया करें आप लोगों के लिए और मैं कौन सी अच्छी सी रेसिपी लेकर आऊँ। तो और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दिया करें। इंशाल्लाह मिलती हूँ किसी अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।